नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक व्यक्ति ने चाकू मारा है। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मेहरूपुर गांव में सोमवार की दोपहर एक मनपढ़ युवक ने बिना किसी बात के चाकू से वार कर एक वृद्ध की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। SP ने मौका मुआयना करते हुए मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी लिया है। पुलिस मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि मेहरूपुर गांव निवासी काजी मुश्ताक खां, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, पूर्व प्रधान के दरवाजे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी बीच इसी मोहल्ला के निवासी अशरफ खान पहुंचता है और बिना किसी बात के मुश्ताक के सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ 3 वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। परिजन मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने मौका मुआयना करते हुए परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित हमलावर की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मृतक के पुत्र शमशाद खान ने कोतवाली में तहरीर दिया, इसमें लगाया कि गाँव के अशरफ खान ने अकारण मेरे पिता पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर अशरफ खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। News24 HD की रिपोर्ट के साथ गाजीपुर के संवाददाता की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।